सोच रहा था खुद, मैं बिल्कुल ये सोच रहा था कि मैं बताऊं, लेकिन वो फिल्म में आपको डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए मैं बोल नहीं पाया। राहुल, एक सवाल हमारी तरफ से। हाँ जी। आपने शो किस लिए रखा है, खास रीजन? पहली बार, शायद इतिहास में पहली बार ऐसे है कि एक ऐसा शो रखा गया है। ऐसा शो बेसिकली इसलिए रखा है, जो मेन जो चीज है जो मैंने अभी बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी हक है जिस हफ्ते फिल्म रिलीज हुई उसी हफ्ते उस फिल्म को देखने का। तो मेरा वही मेन मुद्दा था कि मैं इस फिल्म को उसी टाइम स्क्रीन करवाता हूँ जब मेरी फिल्म अभी लगी हुई है, क्योंकि बाद में 3 महीने बाद जब DVDs आती हैं तो बेसिकली वो फिल्म की स्टोरी एक बार पूरी सोसाइटी में घूम चुकी है। तो वो जो फर्स्ट वीक का जो मजा हम ले रहे हैं वो मजा मुझे लगता है इन लोगों को भी मिलना चाहिए। बहुत अच्छा। फिल्म प्रीव्यू के लिए, फिल्म प्रीव्यू के लिए थिएटर के लिए सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है। आप एक अच्छे महान इंसान हैं जो आपने इन्हीं को सेलिब्रिटी समझा, ये बहुत ही बड़ी बात है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने अपने आप ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। मतलब बात करें तो कितना आप फिल्म कैसा लग रहा आपको आज ये? मुझे काफी खुशी है। मैं मतलब जब कोई भी चीज स्टार्ट होती है तब मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जब बीच में लोग एंजॉय करना शुरू करते तो मुझे लगता है कि हाँ ये सही काम किया है। तो मुझे लगता है जब ये लोग रिएक्ट कर रहे थे जब किसी जोक पे, जैसे हम हंसते हैं, पहला लाफ्टर इनका आया तो मैं, हाँ बस मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। वही आपको एक पुश देते कि हाँ आपने एक अच्छा काम किया है, यस। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब खुशी की बात है, जो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी और भी आगे एंजॉय करेंगे, तो उसी चीज का मेन मैं ख्याल रख रहा था। आपकी नेक्स्ट फिल्म कौन सी है? अभी टॉक्स में है, वो भास्कर जी बताएंगे। नाम 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 नहीं रखा है, लेकिन नेक्स्ट फिल्म आ रही है, ये बात सच है। जी जी बिल्कुल।